फ्रेंड्स, क्या आपको भी मेरी तरह शाम को एक्सरसाइज करना पसंद है, या फिर ये बोलूं कि दिन भर एक्सरसाइज करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं होता है? वुमेंस के साथ तो ऐसा ज़्यादातर होता है, मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। दिन भर बिल्कुल भी एक्सरसाइज करने का या फिर कोई भी एक्स्ट्रा काम करने का वक्त नहीं होता है। तो आज की ये वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी ही एक्सरसाइज बताने वाली हूँ जिनको आपको रात को सोने से पहले करना है। और जब आप इन एक्सरसाइज को रात को सोने से पहले करते हैं और फिर सोने चले जाते हैं या फिर रेस्ट करते हैं, तो आपका बहुत तेज़ी से पेट है वो कम होता है, आपकी पूरी पेट की चर्बी है वो बिल्कुल गायब हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि इन एक्सरसाइज को फ्रेंड्स मैंने इस तरीके से तैयार किया है, अपना थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स देकर, कि जब आप इनको करते हैं तो ये आपकी बॉडी में बहुत लंबे समय तक यानी कि बहुत देर तक वर्क करती रहती हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एक्सरसाइज है। अब ऐसा नहीं है कि पावरफुल है तो कठिन होगी, बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है। कठिन एक्सरसाइज तो मैं कभी भी बताती नहीं हूँ अगर आप मुझे देखते होंगे तो। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए बताते हैं सीधा सा इन एक्सरसाइज को। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लगे कि यूजफुल है, तो चैनल उसी वक्त सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए बताती हूँ आपको इन एक्सरसाइजेस को। पहली एक्सरसाइज आपको करना है, उसके लिए क्या करना है, इस तरीके से सीधा सा बैठ जाइए। मैं आपको साइड से दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पहले इस तरीके से थोड़ा सा घुटने को हल्का सा, बहुत नहीं, थोड़ा सा मोड़ के बैठना है और अपने जो हिप्स है यानी कि ये जो कमर का हिस्सा है उसको थोड़ा सा आगे लाना है। अपने दोनों हाथों को फ्लोर पर रखना है, थोड़ा सा आगे लाते हुए आपके जो हिप्स है उसके आगे, इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, अपने दोनों पैरों को उठा लेना है इस तरीके से, और सिंपल सा हमें क्या करना है, होल्ड करना है। चलिए काउंट कर लेते हैं हम, जितना देर तक आप कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा काउंट करूंगी 6 तक, 1 2 3 4 5 6। इससे क्या होगा कि आपके पेट पर बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, ये एरिया बहुत अच्छे से टारगेट होती है और आपका जो पेट है बहुत तेज़ी से टाइट भी होगा। तो बस आपको क्या है, होल्ड करके रखना है। दोनों हाथों को रखा, पैरों को उठाया, सिंपल काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, आप जितना देर तक रुक सकते हैं अपने हिसाब से कोशिश करिए इसको 5 से लेकर 6-7 सेकंड तक आप होल्ड कर पाएं। हमें होल्ड ही करना है, 1 2 3 4 5 6 7। रिलैक्स, आपके जो कोर मसल्स हैं वो पूरी तरीके से टाइट हो जाएंगे और पेट की चर्बी बिल्कुल गायब हो जाएगी। आपको करना है, कोशिश करिए इसको 7 से लेकर 8 बार इस एक्सरसाइज को करने को। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी है हमारी। हम अपने बेड पर या फिर मैट पर, जिस पर भी कर रहे हैं, लेट जाते हैं, धीरे धीरे हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने पैरों को उठाना है और पैरों के जो आपके घुटने हैं ये पूरा जो पैर है बिल्कुल सीधा होना चाहिए। बस इस एक्सरसाइज में हमें यही ध्यान रखना है, टेढ़े मेढ़े होंगे तो फिर रिजल्ट थोड़ा सा हमें यहाँ पर कम मिल पाएगा क्योंकि टारगेट नहीं होगा। तो सीधा रख लीजिए, अब धीरे से अपनी अपर बॉडी को उठाइए इस तरीके से पकड़ते हुए, इससे आपको काफ़ी आसानी होगी। अब दोनों हाथों को सीधा कर लीजिए और होल्ड करिए, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये पूरा पेट आपका गायब हो जाएगा, रिलैक्स। आप जितना देर तक रुक सकते हैं कोशिश करना है। पैर को उठाइए इस तरीके से, हाथों को ऊपर करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। मैंने इनको आपको ब्रीथ के साथ क्यों नहीं बताया, इन्हेल और एक्सहेल के साथ, क्योंकि बहुत लोग कमेंट्स कर रहे थे हमें सांस लेने में और छोड़ने में समस्या होती है तो नॉर्मली बताइए, लेकिन जो लोग कर सकते हैं वो कैसे करेंगे। सबसे पहले पैरों को उठाइए और सांस को छोड़ते हुए जाना है, 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10 रिलैक्स इस तरीके से करना है, यानी कि सांस को छोड़ते हुए नॉर्मली सांस हमारी वापस अपने आप आ जाती है। तो इसको भी आपको फ्रेंड्स कितना करना है, कोशिश करिए इस एक्सरसाइज को अगर आप 10 बार कर सकते हैं तो आपका जो पेट है वो बहुत तेजी से कम होगा। स्पेशली ये जो पेट है कम होने के साथ साथ टाइट हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ी समस्या होती है हमारी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, ये जो एक्सरसाइज है वो बहुत पावरफुल है आपके पेट को कम करने के लिए, और अगर आपकी बॉडी पर और भी फैट है तो वो भी रिड्यूस कर देगी, बहुत अमेजिंग है। लेकिन ध्यान से देखना, ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले एक हाथ को और एक पैर को उठाना है, और जब यहाँ पर आएंगे तो हमें होल्ड करना है। इन एक्सरसाइजेस में होल्ड करने का सबसे अच्छा मेथड है, क्योंकि जब आप ज़्यादा देर तक होल्ड करते हैं तो बॉडी पर प्रेशर पड़ता है, बहुत अच्छे से आपकी बॉडी पर इफ़ेक्ट होने के साथ साथ आपकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा बर्न होती है, इसीलिए हमें थोड़ा सा होल्ड करना है। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कोशिश करिए इसको अच्छे से होल्ड करने की। लेकिन नहीं कर पाते हैं तो नॉर्मली भी कर सकते हैं इस तरीके से भी, ठीक है, ये आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी करना है उसको देखिए। ये हम आराम से बैठ जाते हैं और ये बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है। आराम से अपने दोनों हाथों को इसी तरीके से फ्लोर पर रखे रहना है और धीरे धीरे 1, 2, 3, 4, 5 जल्दी जल्दी नहीं चलाना है, जितना धीरे धीरे करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके पेट पर इसका इफ़ेक्ट होगा, तो इस बात का ध्यान रखना है। कितना हो गया था हमारा, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 अगर आप जल्दी से पेट कम करना चाहते हैं और परमानेंटली, तो हमेशा पेट के लिए एक्सरसाइज आपको धीरे धीरे ही करना है, जल्दी जल्दी नहीं। तो ये जो सारी एक्सरसाइज हैं इनमें हमने क्या किया है, होल्ड किया है थोड़ी थोड़ी देर के लिए, और इससे क्या होता है कि जब आप इस तरीके से करते हैं तो बहुत देर तक आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न करती रहती है, आपके ऊपर काम करती रहती है। अगर आप एक्सरसाइज करने के बाद सोने चले जाते हैं तो सोते सोते भी आपका पेट कम होता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि हम रात को सोने से पहले एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो इसको करें कि नहीं, आपको अगर दिन में समय मिलता है, रात को नहीं करना चाहते हैं तो दिन में भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज आपको उतना ही रिजल्ट देने वाली है। आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगर आपने मुझे सबसे पहले तो अगर लाइक नहीं किया था तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया था तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए।